बादल सागर चे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम हो हो हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, बोलते हैं दो नंबर्स का सम है कितना है 95। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15। बोलता है दो नंबर का सम जो है वो 95 है, उसमें से एक नंबर जो है वो क्या एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से कितना 15। एक्सीड होता है क्या, ऐड करना, किसको एक्सीड होता है माइनस करना, एक्सीड क्या होता है ऐड करना। तो यहां पे देखो एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से कितना 15, तो फाइंड द नंबर। बोलते वो नंबर है क्या, नंबर हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है, हम इसको मान के चलेंगे। अगर हम इसका देखो सोल्यूशन यहां पे, लेट लेट द फर्स्ट नंबर हमने माना x, क्या माना फर्स्ट नंबर क्या माना x, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा फिर, सम ऑफ टू नंबर से तो सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि एक्सीड अदर्स बाय 15, जो पहले नंबर से क्या हुआ एक्सीड कितना है 15 है। अगर मैं यहां पे लिखूं x प्लस 15, पहला नंबर x है, दूसरा बोल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है उससे एक्सीड कितना है दूसरे नंबर से 15, तो x प्लस 15 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखो, अभी क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करेंगे यहां पे, तो सम ऑफ टू नंबर्स क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है हमारे पास 95। जो आपके पास दो नंबर है उनका जमा करके कितना आ रहा है प्लस करके 95। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारे पास x प्लस, सेकंड नंबर है हमारे पास x प्लस 15 है, इक्वल टू कितना है 95। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर को सम करो कितना आता है हमारे पास 95। तो यहां पे देखो x x कितना हुआ twice x प्लस 15 इक्वल टू 95, तो 2x को हम यहीं पे रखेंगे, तो प्लस 15 को अगर उस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू 95 से 15 आएंगे तो 80, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में अगर उस साइड लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा x इक्वल टू 80 अपॉन 2, तो 40 इंटू 2 कितना होता है 80, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 40। तो यहां पे देखो हमने लेट क्या किया, फर्स्ट नंबर को क्या माना था x, तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट नंबर क्या आया 40, तो सेकंड नंबर क्या हमारे पास आएगा फिर, अगर सेकंड नंबर देखेंगे यहां पे तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना है x प्लस 15 है ना, तो x प्लस 15 x हमारा कितना निकला 40, तो 40 प्लस 15 कितना होगा 55। ये आपका फर्स्ट नंबर 40 है और सेकंड नंबर कितना है 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफर बाय 18। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, व्हाट आर द नंबर्स, बोलता है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 18 है, लेकिन वो नंबर्स कौन से हैं हमने फाइंड करने हैं। तो यहां पे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियोज ऑफ टू नंबर्स कितना है हमारे पास, रेशियोज 5:3, तो व्हाट आर द नंबर्स। अगर हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकंड नंबर हमने माना 3x, फर्स्ट नंबर हमने लेट किया 5x और सेकंड नंबर हमने माना
3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना इन दोनों का 18 है। अगर मैं यहां पे लिखूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है, डिफर बाई 18 उन दो नंबर्स का डिफरेंस करके कितना आता है मेरे पास 18। तो यहां पे 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। देखो डिफर का मतलब मेरे मतलब आपको माइनस, इन दोनों को नंबर का माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आता है 18। तो 5x से अगर 3x निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 18। तो यहां 2 मल्टीप्लाई में अगर उस साइड लेंगे तो डिवाइड में जाएगा x इक्वल टू 18 अपॉन 2, 9 2 जार 18, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आया 9। क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट माना था 5x, अगर यहां पे लिखूंगा फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 5x था, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहां पे 9, तो 5 इंटू 9 होता है 45। ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर हमारे पास 3x था, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। देखो 45 और 27 के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का, तो ये फर्स्ट नंबर 45 है और सेकंड नंबर 27।